तो गाइस अभी हमारे घर में डिनर बनने जा रहा है। डैडी और पूजा डिनर में डोसा बना रहे हैं और मैं आपको ना टॉप की स्टोरी डालने बताने वाली हूँ। और क्योंकि अब से ही मैं टॉप डालूंगी तो आपको इसकी स्टोरी पता होनी चाहिए। इस टॉप की स्टोरी ये है कि जब हम 8th क्लास में थे, हमारी फैमिली ने प्लान किया था कि हम लोग गोवा जाएंगे घूमने के लिए। ये टॉप मैंने तब से मतलब लिया था मार्केट में जाके चंडीगढ़ की, कि मुझे टॉप ये ही डालना है और मैं इसमें फ़ोटोशूट करवाऊंगी। मैंने इसका टैग भी नहीं उतारा था। तो फाइनली आज जब मैं 21 साल की होने वाली हूँ 30 जुलाई को, तो मैंने ये टॉप निकाला है और मैं इसको डालूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये टॉप गोवा डालने लायक होगा। और ये बिल्कुल ना नया का नया पड़ा है, मतलब बिल्कुल नया, पर अब मैं इसको नहीं डालूंगी। सो अभी पूजा और डैडी बना रहे हैं डिनर, डोसा। मतलब थोड़ी देर में शाम हो गई है, अभी आपको पता ना दिन बड़े होते हैं तो शाम हो जाएगी, तो शाम हो चुकी, मतलब 7 बज गए हैं पर लग नहीं रहा। और फिर डिनर खाने के बाद देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जब से डैडी आए हैं हमारी मूँछे लगी हुई एकदम। सो गाइस अभी मेरी अलमारी सेट हो रही है और पूजा अपने फ़ोन में स्प्लिट्स पिला देख रही है। अभी तक मैंने ये 2 कपड़े निकाले हैं नहीं डालने वाले। सो गाइस अभी मैं बना रही हूँ हमारे घर की स्पेशल चीज़ चाय, जो पूरी इंडिया और पाकिस्तान की फेमस है। चाय पीने के बाद मुझे भूख लग गई थी, इसलिए मैंने रेड सॉस पास्ता बनाया, जो कि बहुत बकवास लग रहा है। गाइस ये डोसा मैंने बहुत अच्छा बनाया था, पर डैडी ने इसको क्रस्ट कर दिया, इसका भरता बना दिया। डैडी इट्स ट्रू, समझदारी हो ही होते कि हम अपने सच को मान लें, जो कि आप नहीं मान रहे हो। सॉरी बोलो मुझे। बढ़िया खाने में टेस्टी है। यस yes, देखने में भी टेस्टी बनेगा अगर मैं बनाऊंगी तो। ओह रियली? डैडी हट जा फिर एक बार। एक मिनट ये बना के दे दे। डैडी! चापो बना है। पूजा की बारी है, पहले डैडी से टूटा हुआ बना, पर स्वाद था खाने में। ये डोसा जल के मर जाए पर उसकी कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रीक नहीं खराब होनी चाहिए। सो गाइस अभी पूजा बना रही है आलू चाप, जो कि मैं पूजा के हाथ से पहली बार खा रही हूँ। पर पूजा ने मुझे बोला कि मैंने काफ़ी बार ये खा चुकी हूँ, बट अब जब से पूजा के पास खुद का फ़ोन आया है वो बहुत एटीट्यूड में रहने लग गई है, मुझे लगा था, बट नहीं, वो बिल्कुल अभी भी डाउन टू अर्थ है जैसे वो पहले थी। सो कद्दू तो अभी भी डाउन टू अर्थ है। ओके थैंक यू। सो गाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि पूजा फ़ोन लेने के बाद फुकरी हो गई है, तो नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, वो वैसी की वैसी है। सो मैं दिखाती हूँ पूजा कैसे बना रही है, मतलब कैसा प्रोसेस नहीं दिखा रही, सिर्फ शक्ल दिखा रही उसकी। सो गाइज दिस इज द मेन थीम, अंबानी वेडिंग। सो गाइज अभी हमने एक चैलेंज कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की चीजें बतानी है। चल स्टार्ट। पिज्जा देखो, सॉरी सॉरी दोबारा दोबारा कर। तेरा पास्ता देखो, पिज्जा पसंद है देखो, शॉर्ट हेयर तेको, लॉन्ग हेयर। हाँ तू गलत है, मेरे को लॉन्ग हेयर पसंद है। पर तू करती तो शॉर्ट ही है, तो मैं तब को भी कटिंग करवाती हूँ। तेको स्किन केयर, तेको भी स्किन केयर। हाँ परफेक्ट परफेक्ट। शूज तेको, शूज तेको, शूज मेरी शूज ही देखो पसंद है, शूज ही पाती तो हील काम आती है। हाँ तो तेको कह रही है शूज, तो मेरे को बता ना अपने। तेरा भी शूज ही खाए मैंने, शूज तेरा भी शूज ही खाए। तेको टॉप पसंद है, हुड्डी तेरे को। हाँ तेरे को खुले खुले कपड़े पसंद है, हुड्डी वगैरह। हाँ बस हो गया। ओके कौन जीता? तू हारी है, तू हारी है एक बार। शॉर्ट और लॉन्ग में हो गया। अभी हमारी रिंग लाइट आ चुकी है, हमने रिंग लाइट ऑर्डर की थी और ये अनपैकेजिंग कर रही है मैडम जी। सो गाइज अगर किसी को भी हमारी रिंग लाइट चाहिए हुए पुरानी, तो प्लीज़ हमसे मांग लेना, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। बस वो अच्छी बहुत है। और कितने इंच की है वो रिंग लाइट? 3 इंच की, और बिल्कुल सही पड़ी है। स्टैंड के लग होता है वो तो 7-8 का है। अच्छा, वो जितने की भी ये कह रही है उतनी की होगी, मुझे नहीं पता। तो अभी हम अपने रिंग लाइट खोल रहे हैं। पूजा के पास आईफोन है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिना स्ट्रीक के डल रही हो। हमारी चादर मत देखना। इस बार हमें जो रिंग लाइट की क्वालिटी आई है वो बहुत अच्छी आई है, मतलब इतनी दूर तक भी हम इसको कर सकते हैं, और इसमें फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब इसमें लाइट भी बहुत अच्छी है, और इसका ये चीज़ भी बहुत अच्छा है, लाइट चेंज भी अच्छी है, मस्त आई है एकदम। है ना कद्दू? याहू! अगर आपको भी चाहिए तो हम लिंक दे देंगे, हमें लिंक से कुछ नहीं मिलेगा, अगर आपको चाहिए तो दे दूंगी मैं पर्सनल मैसेज पे। सही तो है। माँ, मैं आ गई हूँ। क्या हुआ? मैं
और बस बैठे हैं, चाय पियेंगे अब। मैंने ना पूजा को कहा था कि कपड़े सूखने डाल दे, इसने देखना अंदर कपड़े कैसे सूखने डाल रखे हैं। गाइस हमारे मम्मी डैडी गए हैं आज नैना देवी, और आज संडे तो आज हम बाहर डिनर करने जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत वेले हैं और हमें हमारे मम्मी डैडी भी नहीं है, तो हमने सोचा कि थोड़ा बाहर इन्जॉयमेंट हो जाए। सो अभी हम शायद पहले कपड़े लेंगे और मेरे को एक क्लिप लेना है, और उसके बाद हम डिनर करके वापस आ जाएंगे घर पर। आज हमने बहुत मस्ती की, लड़ाई करी। नहीं आज बाजार क्यों तैयार है, आई डोंट नो। अभी मैंने पूजा को एक कवर गिफ्ट किया है जो कि पूजा को बहुत प्यारा लगा है, और अभी हम जा रहे हैं डिनर करने। हमें कुछ कपड़े भी अच्छे नहीं मिले, चलो नहीं मिले तो अच्छा हो गया, हमारे वेस्ट ऑफ मनी होने से बच गया। और उसके बाद हम जा रहे हैं खाना खाने। हम घर जा रहे हैं, हमने ये मोजिटो लिया जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर क्रिस्पी बर्गर बहुत अच्छे, तो फिर हमने मोमोज पैक करवा दिए हमारे फेवरेट, तो अभी हम जा रहे हैं। बाय बाय, ये डैडी को दे देंगे यार। ओ गाइस अभी हम इस ब्लॉग को जबरदस्ती की बताया मैंने आपको एंड कर रहे हैं। मैं अपना फेसबुक इंस्टा स्नैपचैट का सबका लिंक दे दूँगी, और हमने इंस्टाग्राम पर ब्रॉडकास्ट चैनल भी बनाया, तो हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बाय।